29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंडर वुमेन. कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए. सो फ्रेंड, मॉर्निंग तो हो गई है, मॉर्निंग हो गई है जल्दी, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं बाहर काम से इनके साथ. और बाहर हो रही है बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी, लेकिन क्या करें यार, काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा. रोज़ रोज़ अवॉइड नहीं कर सकते हैं चीज़ें, तो बस मैं जा रही हूँ. रियान आ गया है स्कूल से, उसका एग्ज़ाम था तो बहुत जल्दी आ गया है वो. और मॉर्निंग तो वैसे मेरी सुबह ही हो गई थी रियान को जब मैंने स्कूल भेजा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई फील कर रही थी तो मैं सो गई थी. तो अभी दोबारा फिर उठी हूँ, तो फिर अब रेडी हो गई हूँ फटाफट से और अब मैं जा रही हूँ. और रास्ते में ही मिलती हूँ, बड़े दिनों बाद जा रही हूँ बाहर, तो देखते हैं रास्ते में क्या होता है. जो भी होता है आपके साथ शेयर करेंगे. तो रास्ते में ही मिलते हैं फटाफट से. सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ रुके हैं रास्ते में. ये गए हैं सामने चाय लेने. चाय और कॉफ़ी तो हमारा टॉनिक है. रास्ते में हमें एक आधी जगह पे तो ये स्टॉपेज लगाना ही पड़ जाता है और ज़रूरी भी है. अभी देखिए ये लेकर आ रहे हैं. क्या लेके आ रहे हैं? चपाती ले आए हैं. आप लंच ही ले आए हो? मैं तो चाय सोच रही थी. चाय पीने मेरे को तो ये लगा आप चाय लेने गए हो. पार्लियामेंट के पास में सब चीज़ें कवर कर रखी हैं. लग रहा है कुछ बन रहा है इसके पीछे. अगर कुछ सालों बाद पता चलेगा कि क्या बन रहा है इसके पीछे. लेकिन कंस्ट्रक्शन काफ़ी लंबी चल रही है यहाँ पे. बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है चारों तरफ. सो गाइज, हम लोगों का काम हो गया है और अब हम लोग निकल गए हैं. काम जहाँ हम गए थे वहाँ मैं ब्लॉगिंग कर नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने नहीं करी है. बस अभी हम लोग का काम ख़त्म हो गया, अब हम लोग वापसी के लिए निकल गए हैं. इस टाइम तो बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि इस टाइम सबको छुट्टी का टाइम हो गया. लेकिन अब क्या, खैर क्या करें, घर तो जाना ही है. तो रास्ते में चलते हैं और देखते हैं. भूख तो लग रही है, लेकिन देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर सीधा घर जाके ही खाएंगे. तो बस चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं आप लोगों से. गाइस, मैं तो सो गई थी सच बताऊं. बस यहाँ आके उठी हूँ अपनी चाय वाली जगह पे, तो ये चाय लेके आएंगे, अभी चाय पियेंगे हम लोग. सोने की तो बात ऐसी है भाई कि मैं चलाते वक्त भी सो गया था. एक सेकंड के लिए झपकी लग गई थी, मैंने रोका, मैंने कहा चाय पीऊंगा यार, मेरे को बहुत तेज नींद आ रही थी. एक्चुअली हम लोग सुबह ही उठ जाते हैं ना जल्दी, और फिर उसके बाद दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको पता ही है कि कैसे ही होता है. बोर हो जाता है इंसान, गाड़ी चलाने वाला भी और साथ में बैठने वाला भी. और मैं तो सो गई थी क्योंकि मैं बैठे बैठे बहुत बोर हो गई थी. और मैं सो गई तो फिर इनको भी मेरे को देख के लग रहा कि मेरे को भी नींद आ रही है. और ये अभी मुझे बता रहे हैं मुझे एक देखे झपकी भी आ गई थी. तो कभी भी ऐसा हो तो यार प्लीज़ रोक लो गाड़ी को, ज़्यादा रिस्क मत लो अपनी लाइफ से. पुल पे लगे हैं, मैंने आके आगे रोक लिया, मैंने कहा नहीं चाय पी के जाऊँ. तो चाय पी रहे हैं हम लोग, चाय पीने से थोड़ी नींद भी खुल जाएगी. तो बस चाय आती है फिर चाय दिखाते हैं आपको. उसकी चाय आपको पता ही हम बहुत ही टेस्टी होती है, मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया है. वहीं रुके हुए हैं हम लोग चाय पी रहे हैं. और जाम देखना एक बार, ये देखो ट्रैफिक देखो कितना ही जाम है. बहुत ट्रैफिक हो गया दिल्ली में अब, बहुत ज़्यादा. तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं बाहर
मूवी देखने, जो शाहरुख खान की न्यू मूवी आई है जवान, मोस्टली लोग देख चुके होंगे, जिन्होंने नहीं देखी हमने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज सुने हैं, तो मूवी जा रहे हैं। और हमारे घर में वैसे भी एक बहुत बड़ी फ़ैन है हमारी मामी शाहरुख खान की, वो हमेशा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आती है, पर वो इस बार शिमला थी, तो अब वो भी हमारे साथ जा रही है, तो वहीं चलते हैं और आपको रास्ता मिलता है। और गाइस ये जो टिकट है स्पॉन्सर भाभी ने कर रखा है, 1200 रुपए की टिकट है यार, लेकिन उन्होंने बोला हमारे साथी देखनी है, मैं टिकट ले रही हूँ, और बस यही है कि शाहरुख खान आएगा, वोटिंग करनी है, सबने वोटिंग करनी है, ये होते हैं फैन 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 शाहरुख शाहरुख शाहरुख। गाइस यहाँ पे क्रेजी फैंस आ चुके हैं शाहरुख खान के, अब चलते हैं फटाफट से और वहीं पे आपको पूरा दिखाएंगे। तो गाइस अभी हमारी मूवी में टाइम है और हम बस पहुंचने ही वाले हैं, बट अभी हमें भूख लग रही है तो पहले हम कुछ खाएंगे, तो देखते हैं अभी हमें क्या मिलता है डिनर में, वही जाके अभी खाएंगे। अभी हम जा रहे हैं M2 के, वहाँ देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो वहीं पे कुछ खाएंगे, उसके बाद मूवी देखेंगे। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं, बस पहुँचने वाले हैं, 5-7 मिनट का फ़र्क है, लेकिन अभी हमें लग रही है भूख क्योंकि मूवी में अभी है टाइम, तो हम मुझे लग रही है सना को क्यों लगेगी भूख, ये बस अभी थोड़ी देर पहले ही मोमोज खा के आई है, मोमोज ठेका से, तो इसे भूख कहाँ से लगेगी, और इनको तो वैसे भी कमी लगती है भूख, मैं ही हूँ एक बस खाने वाली ज्यादा। ये गाना तो पठान मूवी का है लेकिन ये जवान मूवी के ऊपर गा रहा है। तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग M2 के और वहाँ पे देखते हैं कि जो भी अच्छा कुछ मिलेगा थोड़ा बहुत खाएंगे। हम लोग यहाँ पे अभी ऑमलेट खाने के लिए रुके हैं बिकॉज मम्मी को भूख लग रही है, मेरे को और पापा को नहीं है। तुझे है भूख? मतलब इसको और मम्मी को ही भूख है, मैं तो भी खा के आई थी, तो मेरे को कोई भूख वूख नहीं है, पापा को भी ज़्यादा नहीं खाना, बस मम्मी को ही है। गाइस हम यहाँ खा रहे हैं ब्रेड ऑमलेट और ये एग, और ये ध्यान के लगी है गरम गरम, जल्दी कर लो मैडम, इन्हीं को भूख की सबसे ज़्यादा। 8 मिनट लगेंगे। What is this? गाइस हम बहुत सही टाइम पे पहुंच गए हैं, अभी टाइम मैं इस पे टाइम दिखा रही हूँ 10:15 हो गए हैं और 30 पे हमारी मूवी है, तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं, 15 मिनट पहले पहुंच गए हैं, तो बस एक्साइटेड हैं हम सारे, है ना, एक्साइटेड है ना। देखा मैंने पहले आपको गाइस बताया था ना कि भाभी बहुत बड़ी फैन है। अभी मूवी चल रही होगी, आई थिंक अभी मूवी चल रही है, अच्छा पिक्चर लेनी है आपने। सो गाइस रियान के फेवरेट पॉपकॉर्न्स पहले घर से बोल के आया है ये, रियान लेगा तो नहीं ना, तब तो नहीं लेगा, पहली बोल के आया है 600 रुपीज, 600 रुपीज तो मेरे अलग रख लो, पहली बोल के आया है। ਹੈਪੀ MBA ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਾਰਨਰ।
बट रियान तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मूवी देखने आता है, ये देख लो, ये इंटरवल का वेट करता है कब इंटरवल हो और कब मैं ये पॉपकॉर्न और पेप्सी लूँ। और घर में बना दूंगी तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ का तो चाहिए। पापा बहुत अच्छी, मेरे को बहुत पसंद आई है जेन्युइन। उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, कोई देखेगा तो उसको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। एक्शन थोड़े साउथ वाले हैं बिकॉज डायरेक्टर साउथ के, दो तीन एक्टर्स भी साउथ के ही हैं, तो साउथ टच है, बट मूवी बहुत अच्छी। और इसका पार्ट कैसी लगी आपको? एसआर के फैंस, कैसी लगी मैम मूवी? मूवी कैसी लगी? वी लव यू, वी लव यू, बहुत अच्छी, सीरियसली स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी ना। वेटिंग फॉर जवान 2, इसका जवान 2 तो आना चाहिए यार। मामी बहुत शानदार, रजनीकांत पार्ट 2 वाला सबसे बेस्ट पार्ट था। नहीं मैं स्पॉइलर नहीं करना चाहता, एक्शन बेस्ट था। चलो सोना से भी पूछ लिया, थैंक यू बोलो मेरे को, मैंने सब कराई है। बस टाटा सी यार, घर पे आ जाओ बेबी, 2 बज रहे हैं। बाय बाय गाइस, हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं एंड मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, लाइक हमें पर्सनली बहुत अच्छी लगी बिकॉज उसकी स्टोरी लाइन वगैरह बहुत अच्छी है। पिक्चराइजेशन या थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो साउथ की टच की है, जस्ट बिकॉज उसमें जो डायरेक्टर हैं एंड वो सब एक्शन वगैरह कह सकते हैं कि साउथ टच है, बट मूवी इज़ वेरी नाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिसने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो। एंड हम लोग ने भी काफ़ी लेट देखे, हम लोग भी काफ़ी लेट हो गए मूवी देखने के लिए बिकॉज पहले टाइम नहीं मिला, पहले बाहर गए हुए थे, फिर इस वजह से टाइम नहीं मिला था, अब जाके टाइम मिला है। एंड वो भी हम लोग ने ज़िद करी तो मम्मी पापा गए, वरना वो लोग इतने थके हुए थे वो लोग नहीं जाते बिकॉज सुबह भी वो लोग काम से गए हुए थे, आए तो हमने ज़िद करी तो मूवी देखने गए, बट कोई बात नहीं, अब वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। रियान भी अभी उनके पास ही है तो बस सोएंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। गुड नाइट।